गाइस वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। मैं थोड़ा ले चुकी हूँ वीडियो अपलोड करने में, आई नो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग दैट फ्री टू रिकॉर्ड एनी वीडियो, लेकिन मैं करना चाह रही थी, बस हो नहीं पाया। ओके, सो वेडिंग सीजन चल रहा है इंडिया में, चारों तरफ शादियां ही शादियां हो रही है, कोई लग नहीं रहा कि कुछ कोरोना जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बट ठीक है, एवरीबडी इज अटेंडिंग वेडिंग, जरूर आपकी भी कोई ना कोई शादी का इनविटेशन जरूर आपको भी होगा। तो मैंने सोचा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मुझे कुछ अच्छे से हेयर स्टाइल तो जरूर बनाने चाहिए, जो अचीवेबल हो, है ना, बहुत इजी हो, आप मतलब किसी के हेल्प के बिना भी आप कर सको। अगर आपके पास थोड़े से छोटे मोटे टाइप के भी एक्सेसरीज है तो यू आर गुड टू रॉक एनी काइंड ऑफ ब्राइडल, यू नो, इंडियन वेडिंग गेस्ट का जो हेयर स्टाइल होता है। तो आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा टॉन्ग किया है ना, कर्ल किया है और ऐसे छोड़ दिया है बालों को, ज्यादा कुछ इसमें फैंसी नहीं है। लेकिन आपको फैंसी चीजें, थोड़े से मतलब अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें वीडियो में मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो देखो। बहुत सारे लोगों के, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम प्लीज ब्रेड हेयर स्टाइल बनाइए, ब्रेड। लेकिन गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ब्रेड हेयर स्टाइल इज क्वाइट ट्रिकी, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो ब्रेड नहीं बना सकते। ठीक है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड्स, लेकिन मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बनाने में वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो सब बना नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंपल चीजों के साथ हम एक्सेसराइज कर लेना बालों को, तो सिंपल सा कोई भी हेयर स्टाइल ना, उसको एक स्पार्क मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यू नो, अभी तो आर्टिफिशियल गजरे आ गए हैं, यू नो, छोटे छोटे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से पिंस आ गए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गजरे का लिंक डाल दूंगी, पिंस का लिंक डाल दूंगी, जहां पे से मैंने खरीदा है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि उसका किस तरह से जो है यूज होता है। तो विदाउट फर्दर डू वीडियो देख लो आप, ठीक है, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे जो है फॉलो नहीं किया है, तो आजकल मैं वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग रील्स बना रही हूँ, तो उसे चेकआउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाइए वहां पे मुझे फॉलो कीजिए। और कुछ भी बताना हो, कुछ बोलना हो, पूछना हो, सजेशन देना हो, तो वहां पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो देख लो, अराउंड 3 हेयर स्टाइल्स बनाए हैं मैंने, जिससे आप कोई भी इंडियन वेयर लाइक साड़ी, लहंगा, सूट, किसी के भी साथ कैरी कर सकते हो। लाइक मैंने साड़ी पहनी है, तो यू नो, मतलब अच्छे लग रहे थे। और नहीं बोलूंगी मैं, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सबसे पहले ब्लाउज पहन लिया है, क्योंकि मुझे ऊपर से पहनना था और हेयर स्टाइल खराब हो सकती थी। बालों को नॉर्मली बीच में से पार्टिंग कर लो आप, जिस तरह से मैंने किया, और इस तरफ के बालों को आप सेक्शन क्लिप या कैसे भी सिक्योर कर लो थोड़ा सा, और इस तरफ के बालों का छोटे छोटे सेक्शन निकाल के आपको ट्विस्ट करना है, ठीक है। वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको छोटे छोटे सेक्शन निकालने हैं। ये जो कोम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, इसको आपको बालों को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और सिक्योर करना है और फिर टेक्सचराइज करना है। एक बार फिर से देख लो, इस तरह से मैं सेक्शन निकाल रही हूँ, पीछे की तरफ मैं ट्विस्ट करूंगी, ठीक है, और इसे सिक्योर करूंगी और फिर थोड़ा सा खींच दूंगी ताकि अच्छे लगे देखने में, ठीक है ना। इस तरफ के बालों के साथ भी सेम करना है हमें, इस तरह से ट्विस्ट करना है और फिर सिक्योर कर लेना है और फिर टेक्सचराइज करना है, ठीक है। इस तरफ मैं 2 ही सेक्शन निकाल रही हूँ, मेरी इस तरफ के बाल थोड़े से कम है, यू नो, कंपेरेटिव टू द अदर साइड, तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्सचराइज कर लिया। अब आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एक इसको आप खींच के, मतलब दोनों तरफ सिमिलर टाइप का लुक आना चाहिए, जो फ्लफीनेस है वो बोथ साइड पे सिमिलर होना चाहिए। अब मैं बन बना रही हूँ, हाई बन, लो बन, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। इस तरह से ट्विस्ट करके मैं बन बनाती हूँ, इससे पीछे से बन देखने में बिल्कुल एक फ्लावर जैसा लगता है। मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया है, तो वो सारे वीडियोस मेरे पुराने नीचे है, वो आप चेकआउट कर लो। अब मैं ये जो आर्टिफिशियल गजरा है, इसे अपने बन के ऊपर प्लेस करूंगी। इसके दोनों साइड में ना डोरी है, तो उसके सहारे जो है मैं इसे सिक्योर करूंगी। चाहो तो आप पिन भी यूज कर सकते हो। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे मांग टीका पहना है, नेकलेस पहनी है, और एक टिपिकल बंगाली स्टाइल मैंने यहाँ पे कान पाशा पहना है, हम इसको कान पाशा कहते हैं, और मैंने इस लुक को किया है इस तरह से कंप्लीट। सेकेंड लुक के लिए मैं अपने बालों को खुला छोड़ूंगी। साइड पे मैंने पहले से टोंग किया हुआ था, मेरे बाल आप देख रहे हो टोंग है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट भी छोड़ो तो भी इक्वली अच्छे लगेंगे, ठीक है। अच्छे से कॉम कर लो बालों को,
और इस तरह का कोई भी एक्सेसरीज अगर है आपके पास तो उसे इसमें ऑलरेडी पिन लगे होते हैं तो आपको अलग से पिन लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसे इसके ऊपर अपने खुले बालों के ऊपर सुंदर तरीके से यू नो लाइक अ हेड बैंड इसे प्लेस करो, ठीक है। बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत लगता है। और साथ ही साथ मैंने ये चोकर पहना है जो कंप्लीट दिस होल लुक। तीसरे लुक के लिए मैं बहुत शीक और नीट क्लीन एक हाई बन बनाने वाली हूँ। इस तरह से सिक्योर करके मैं बालों के सेक्शंस निकालूंगी। एक्चुअली मेरे बाल क्योंकि छोटे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें ना एक बहुत बड़ा सा फ्लफी फुलर मुझे एक बन मिले, तो इसलिए मैं इस तरह से सिक्योर मतलब सेक्शंस निकालूंगी बालों को, उसे सिक्योर करूंगी, है ना। उसके बाद टेक्सचर निकाल निकाल कर मैं इस तरह से एक बहुत ही बड़ा सा फ्लफी सा, देख रहे हो आप, इस तरह से मैंने सिक्योर किया और फिर मैंने टेक्सचराइज भी किया था। अगला सेक्शन भी मैं ले रही हूँ, सिमिलर तरीके से ट्विस्ट करूंगी और उसके साथ फिर हम बन बनाएंगे। ये टेक्निक मैं इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि पीछे से जो बन है वो बहुत अच्छा देखने में लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जो मेरे बेबी हेयर्स है उसे मैं लोरियल पेरिस एलनेट सैटिन हेयर स्प्रे के साथ सिक्योर करूंगी। नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आप। ये मेरे पास एक बहुत ही शीक सा सुंदर सा पिन था, हेयर पिन, इसे मैंने अपने बन में इंसर्ट किया है। बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश लुक देता है। आप ऑर्गेन्जा या सिल्क या सैटिन की कोई भी साड़ी पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे नथनी पहनी है क्योंकि हमने बालों में बहुत हैवी कुछ नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कुछ ट्राई किया है। ये नथनी मेरी शादी की है तो इसलिए मेरे लिए काफी स्पेशल है। देख रहे हो आप प्रोफाइल शॉट्स कितने कितने प्यारे आ रहे हैं। राइट या लेफ्ट किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हो, इक्वली अच्छा लगेगा। ओके गाइज, इस तरह की कोई भी पेन अगर आपके पास है यू नो कलरफुल स्टोन वाले, है ना, तो प्लीज उसे यूज करके बंद जरूर बनाना।